गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.7 प्रॉब्लम नंबर 8। यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x, दो ही टर्म है, इसका इंटीग्रल बताना है। तब इस फंक्शन के इंटीग्रल को आई से रिप्रेजेंट किया, इवेलुएट करना है हमें। तो ऐसा करते हैं, इसे हमें ये देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर में बनाने के लिए तीन टर्म चाहिए, तीसरा टर्म क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और एक्स का जो कोफिशियंट है वो क्या है, 3 है। तो जो x का जो भी कोफिशिएंट हो उसका हाफ कीजिए, फिर उसका हाफ करें, 2 से डिवाइड किया, फिर इसका स्क्वायर कीजिए, तो क्या मेरा 9/4। अगर तीसरा टर्म यहाँ पर प्लस 9/4 अगर हम यहाँ पर ला देते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हमें ऐड करना पड़ेगा 9/4 और उतना ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इसके बाद इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4 माइनस 9/4 dx। और इसके बाद अब यहां देखते हैं ये तीन टर्म जो मिलकर के हैं ये परफेक्ट स्क्वायर बना लेगा। कैसे, क्योंकि यहां पर दो स्क्वायर टर्म है तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, x, और 9/4 का 3/2, और 2 से हमने मल्टीप्लाई किया फार्मूला में तो 2 से 2 कट गया, क्या आया 3x आया। यानी ये इस फॉर्मूला पर आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो उसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 3/2 स्क्वायर, और माइनस इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो 3/2 का होल स्क्वायर, और ये इधर आया dx। अब यहां पर स्टैंडर्ड इंटीग्रल देखना, हमें स्टैंडर्ड इंटीग्रल यहां पर जो होगा ये इस फॉर्म में होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो इसका स्टैंडर्ड इंटीग्रल क्या होता है, अभी यहां पर हम आपको बता रहे हैं, आप यहां तक पहले समझिए इसको। अब कौन सा स्टैंडर्ड इंटीग्रल यहां पर लगेगा, इरेज करके हम बता रहे हैं। हाँ स्टूडेंट्स, देखते हैं यहां पर स्टैंडर्ड इंटीग्रल ऐसा है, इस पूरे को अगर हम x मान लेते हैं तो इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, और ये कांस्टेंट टर्म को a मान लिया, a स्क्वायर dx। तो इसका स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता है x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। देखिए एक बात आपको हम बता दें, लॉग है तो यहां मॉड भी लगा सकते हैं, क्योंकि नेचुरल लॉग है, अननेचुरल लॉग ही पॉसिबल होता है रियल पॉजिटिव नंबर पर। तो यहां पर यह मान लिया जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, अगर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो होगा तब ये इंटीग्रल पॉसिबल है। आप मॉड लगाना चाहे तो मॉड लगा दीजिए, अगर मॉड नहीं लगाना चाहते हैं तब भी गलत नहीं होगा, ये सही है। ये इंटीग्रल तभी पॉसिबल होगा एक्स इज ग्रेटर देन जीरो पर, क्योंकि नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग ही डिफाइन होता है रियल पॉजिटिव नंबर पर। तो आप मॉड लगाना चाहे तो आप मॉड लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते तो ना लगाइए, वो गलत नहीं माना जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल यहाँ पर लगेगा। तो आइए यहाँ देखते हैं, क्या हम अपने स्टैंडर्ड इंटीग्रल को डायरेक्ट रख सकते हैं, यहाँ पर इस फॉर्मूला को डायरेक्ट यहाँ यूज कर सकते हैं। पहले यहाँ पर देखिए x है, यहाँ अकेले ना होकर के x प्लस 3/2 होल स्क्वायर है, तो x प्लस 3/2 का डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे तो एग्जैक्ट 1 मिल जाएगा, जिसका मतलब हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ये पूरा टर्म जो x प्लस 3/2 है ये हमारे लिए एक, ये क्या हो गया x हो गया, और ये कांस्टेंट टर्म है a स्क्वायर यानी 3/2। आइए फॉर्मूला रखते हैं, तो फॉर्मूला रखते हैं तो फॉर्मूला क्या कह रहा है कि x अपॉन 2 रखिए। चलिए x की जगह पर तो ये पूरा रखेंगे x प्लस 3/2 अपॉन उसके बाद बाय 2, ब्रैकेट बंद किया, उसके बाद अंडर रूट, फिर क्या रखना है हमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये इसी को रखेंगे x प्लस 3/2 का स्क्वायर और आगे माइनस 3/2 का, ये हो गया स्क्वायर, इसके बाद माइनस ए स्क्वायर, तो a की जगह पर तो ये 3/2 का स्क्वायर और अपॉन 2 हो गया, लॉग रखा गया लॉग, उसके बाद ब्रैकेट ये बना देंगे, आप मॉड बनाना चाहो मॉड बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर x, ये क्या रखा जाएगा x,
यानी x की जगह पर क्या है x plus 3 by 2 है, तो ये हो गया x plus 3 by 2, और उसके बाद आगे आता है यहां पर प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी x plus 3 by 2 स्क्वायर और आगे माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 3 by 2 का स्क्वायर, और उसके बाद ये ब्रैकेट बंद प्लस c। एक मिनट देखो, उधर आपको दिख रहा है, चलिए प्लस सी लिखा हुआ है, अभी थोड़ा कटा हुआ है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करके ही नीचे हम लिख दे रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x plus 3 upon 2, और 2 नीचे भी है तो ये हो गया 2x plus 3 upon 4 अंडर रूट। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये तो यहीं से लेकर के चले हैं ना, ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया परफेक्ट स्क्वायर बनाया, तो है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फिर से मिल जाएगा, तो इसकी जगह पर हम डायरेक्ट यहां लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3x, उसके बाद माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 और ये क्या है 1 अपॉन 2 हो जाएगा, यानी 9 अपॉन 8 आएगा, तो 9 अपॉन 8 हो गया। उसके बाद लॉग, एक मिनट देख तो ले, दिख रहा है आपको, हाँ जगह है, दिख रहा है लॉग, उसके बाद इसको भी सॉल्व करते हैं, लॉग x प्लस 3 बाई 2 और फिर प्लस फिर अंडर रूट, ये तो बड़ा सिंपल हो गया, इसको सॉल्व करने पर यही फिर मिलेगा x स्क्वायर प्लस 3x, ये ब्रैकेट बंद किया प्लस c। तो इस तरह से ये इंटीग्रल हमारा इवेल्युएट हो गया, ये इंटीग्रल जो है इस फंक्शन का इंटीग्रल ये होगा। आप यहाँ तक कॉपी कर लिए, अच्छा समझ लिए, फिर हम आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम बताएंगे।